एक जगह मैं बाल कटा रहा था तो साहब ने कहा, काटने वाले नज्जा काटने वाले हजाम ने नाई ने कहा, मौली साहब बहुत गुस्सा आता है जनाब जी, बहुत गुस्सा आता है। बोले क्यों भाई? मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूं, बुर्का पहन पहन के आती है और उसको कोई और लेके जाता है। कहाँ है अब्बू, कहाँ है अम्मी, फटफटिया पर बैठा के ले जाता है। कहाँ ले जाता है भाई? ये मोबाइल फोन जो हमने दे रखा है ना, उसका गलत इस्तेमाल जो हो रहा है। अब आप लोग कहिएगा, ये कौन से मौली साहब चले आए जो मोबाइल फोन से रोक रहे हैं? जी नहीं, उसके गलत इस्तेमाल से रोक रहे हैं हम। और आप कड़ी निगाह क्यों नहीं रखते हमारी बेटी जो बिगड़ रही है या बेटा जो बिगड़ रहा है? जिम्मेदारी निभाना है, ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह निभाइए। या मरियम, काल या मरियम अन्ना लकी हाजा, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37। मरियम, ये मौसम का फल आपके पास कहां से आया? मरियम, ये बेमौसम का फल आपके पास कहां से आया? आपकी बेटी कब निकलती है, कब बाहर जाती है, बुर्के के अंदर जाती है, स्कूल का बैग लेके जाती है? अरे स्कूल तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, कभी हमने और आपने सोचा देखा? आजकल लोग मौलवियों पर बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं। आजकल कुछ लोग, और कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग इमाम साहब पर, मुअज्जिन साहब पर, खादिम साहब पर कड़ी निगाह रखते हैं। इमाम साहब अगर एक मिनट लेट आए तो बोलते रहते हैं, अल्लाह की कसम अगर उतनी कड़ी निगाह अपनी बेटियों पर रखें, बीवियों पर रखें, बहनों पर रखें तो सुधर जाए। एक मस्जिद में तो पंचिंग मशीन लगी हुई है। अच्छा, इसलिए मेरी आवाज जिस मुताल मेरी आवाज मुतवल्ली साहब तक जा रही है, प्लीज अपनी मस्जिदों में आप पंचिंग मशीन न लगाइए, वरना बेचारे कुछ इमाम साहब कहेंगे कि ये जुमला बोलकर आपने और फंसा दिया। पंचिंग मशीन मतलब इमाम साहब जितनी मर्तबा पेशाब करने जाएंगे उंगली उसमें डाल के जाएंगे। मुतवल्ली साहब पेशाब करने जा रहा हूं, मुतवल्ली साहब दो नंबर जा रहा हूं, मुतवल्ली साहब एक नंबर जा रहा हूं। भाई पंचिंग मशीन अपने घर में क्यों नहीं? बेटी कब जा रही है, बेटी कब आ रही है, बेटा कब जा रहा है, बेटा कब आ रहा है, बीवी कब जा रही है, बीवी कब आ रही है, क्यों नहीं? पंचिंग मशीन घर के अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जो अपने बेटे के सामने मुंह नहीं खोल सकता, बेटी के सामने मुंह नहीं खोल सकता, पूरा मुंह आके इमाम साहब के सामने खोल देता है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, हमें और आपको अपनी औलाद की फिक्र खुद करनी है, कोई दूसरा नहीं कर सकता।